वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मेघा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज DIY करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको मेरे घर के दो क्यूट से मेंबर से मिलाऊं। सो ये वो दो क्यूट से मेंबर हैं जो मेरे घर में हैं, और ये मेरे घर के सबसे छोटे मेंबर हैं, और बहुत बार मेरे वीडियो में बैकग्राउंड में इनकी आवाज़ आपको सुनने मिल ही जाती है। सो मूविंग टू द वीडियो, आज हम कुछ गार्डन और बालकनी DIYs करेंगे। मैं उस इन DIYs में आपको ऐसी कुछ आइडियाज़ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने गार्डन अपने बालकनी को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं यूजिंग वेस्ट मटेरियल। जी हाँ, हम सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स यूज़ करेंगे एंड हमारे गार्डन और बालकनी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे फर्स्ट DIY में हम बनाएंगे एक बर्ड हाउस, एंड उसके लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिएगा। एंड कार्डबोर्ड को हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे, दो ये शेप में एंड दो रेक्टेंगुलर शेप में। उसके बाद यूजिंग मास्किंग टेप मैं इन सब को मास्किंग टेप से कवर कर लूँगी। एंड कार्डबोर्ड का आप थिकनेस देख सकते हैं, मेरे कार्डबोर्ड का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपके पास ऐसी थिकनेस वाला कार्डबोर्ड ना हो तो आप दो कार्डबोर्ड को भी स्टिक करके उसे सिंगल कार्डबोर्ड बना लें। उसके बाद कोई भी गोल चीज़ लेके आप बीच में इस तरीके से एक राउंड शेप कट कर लें, एंड फिर आप न्यूज़पेपर को इस तरीके से रोल कर लें, एंड 3 to 4 पीसेस आप ऐसे रोल करके बना के साइड में रख लें, हमें ये बर्ड हाउस बनाने के वक्त काम आएगा। सो नाउ अब हम बर्ड हाउस को असेंबल कर लेंगे। हमारे बर्ड हाउस को असेंबल करने के लिए हमें चाहिएगा फेविकॉल, और जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करें। एंड इनकी जितनी भी मेजरमेंट्स है मैंने वो सारी स्क्रीन पे दे दी है। सो फेविकॉल आप अच्छे से लगाएं, एंड ये जो इनकी जो मिडिल पोर्शन है वहाँ हम ये न्यूज़पेपर को स्टिक करेंगे, सो दैट हमारा ये बर्ड हाउस और स्टर्डी हो जाए। मैंने जैसा फर्स्ट पोर्शन किया वैसा ही मैंने सेकंड पोर्शन भी सेम उसी तरीके से कर लिया है, एंड हम ये ऊपर का पोर्शन भी इसमें स्टिक कर देंगे। एंड बाकी का जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें भी मैं न्यूज़पेपर स्टिक कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। उसके बाद बेस के लिए हम ऐसा एक कार्टून लेंगे और उस पर हम मास्किंग टेप स्टिक कर देंगे उसके एजेस पे, एंड दिस इज रेडी। एंड इसके ऊपर हम हमारे बर्ड हाउस को प्लेस कर लेंगे यूजिंग फेविकॉल। सो बेस हमारा स्टिक हो गया है बर्ड हाउस का। अब हम चलते हैं हमारे बर्ड हाउस के रूफ पे। रूफ के लिए हम दो सेम साइज के स्क्वायर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से रूफ पे प्लेस कर देंगे यूजिंग फेविकॉल। फेविकॉल को आप अच्छी तरीके से लगाएं सो दैट बर्ड हाउस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने। नाउ मैंने यहाँ पे ये होम मेड जेसो बना लिया है, इसमें मैंने POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पैरिस, फेविकॉल एंड वाटर मिक्स किया है, एंड ये हमारा होम मेड जेसो रेडी हो गया। एंड इसे मैं पूरे के पूरे बर्ड हाउस पे अप्लाई कर लूँगी एकदम अच्छी तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये होम मेड जेसो का प्रोसेस मैं आपको बताऊँ कि कैसे बनाते हैं इसे, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। सो यस, जेसो अप्लाई करने के बाद हमारा ये बर्ड हाउस रेडी है। अब हम चलेंगे हमारे कलरिंग पोर्शन में। सबसे पहले मैं यहाँ रूफ़ पे कलर करूँगी, सो वो मैंने लीफ ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई किया है रूफ़ के लिए। सो आपको जैसा कलर कॉम्बिनेशन रखना है आप वैसा कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको यही रखना है। मैंने रूफ़ के लिए एंड बेस के लिए लीफ ग्रीन कलर डिसाइड किया है, मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। सो यस, ये हमारा कलर हो गया है। एंड अब यहाँ पे हम चॉक पेंट अप्लाई करेंगे ऑन द बर्ड हाउस, एंड ये मैं डैबर के हेल्प से अप्लाई करूँगी। सो मेरे पास डैबर नहीं है तो मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज की हेल्प से ये कलर को अप्लाई किया है, एंड सी दिस इज़ द लुक। इसके बाद हम स्टेंसिलिंग करेंगे। ब्रिक स्टेंसिल को मैं यहाँ यूज़ करूँगी एंड वाइट कलर और
स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसे अप्लाई कर देंगे। आप स्टेंसिल यूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि स्टेंसिल बिल्कुल भी ना हिले। अगर वो हिला तो आपकी जो स्टेंसिलिंग होगी वो एकदम भी अच्छी नहीं आएगी। एंड यहाँ पे स्टिक करने का भी कोई प्लेस नहीं है, तो आपको हाथ को एकदम अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा। सो यस, ये हमारा स्टेंसिलिंग कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद अब हम कुछ और डिटेल्स करेंगे हमारे इस बर्ड हाउस पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे गेट बनाऊंगी यूजिंग बर्न सियान कलर। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ट्रीज़ एंड बर्ड्स और ज़्यादा बना दूंगी। बर्ड्स को मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि वो ऐसा लगेगा कि इस बर्ड हाउस के अंदर जा रहे हैं वो। एंड ट्री, कुछ लीव्स, ये सब भी मैं ड्रॉ करूंगी। आप भी ऐसा कुछ ट्राई करें, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एजेस में जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की एजेस है, वहाँ पे नीचे हम इस तरीके से कुछ ग्रासेस एंड फ्लावर्स बनाएंगे। अलग अलग कलर्स में मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, यहाँ येलो कलर, रेड कलर एंड पर्पल कलर, दैट इज़ वायलेट कलर, सो दैट कुछ लेवेंडर फ्लावर का लुक आए। एंड यस, ये हमने बना लिया है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई बर्ड हाउस। सो ये बर्ड हाउस बनके रेडी हो गया है। एंड आपको ये कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड इसे ज़रूर 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 ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है। सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट DIY, यहाँ पे भी हमने ये कार्डबोर्ड लिया है एंड मैंने इसमें मुझे जो भी कटिंग करना है उसको ड्रॉ कर लिया है। एंड ये मैंने कट किया है, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक कैक्टस फ्लावर पॉट ड्रॉ किया है। एंड अब हम यूजिंग मास्किंग टेप इसके एजेस को सिक्योर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम कलर अप्लाई करने से पहले जेसो अप्लाई करेंगे। दिस इज़ द सेम होम मेड जेसो जो मैंने बर्ड हाउस में यूज़ किया था, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद अब मैं कलर करूँगी। यहाँ पे मैंने चॉक पेंट यूज़ किया है एंड सेम मैं डाबर की हेल्प से यहाँ पे इसे कलर कर दूँगी। सो कैक्टस के अपर पोर्शन के लिए भी हम चॉक पेंट ही यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइटर टोन यूज़ किया है, कैक्टस का प्रॉपर कलर मैंने नहीं दिया है, मैं इसे कुछ फंकी लुक देना चाहती हूँ। नाउ मैं कुछ पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लूँगी मुझे जो भी इसमें बनाना है वो। बेसिकली मैं इस कैक्टस पे एक ग्लास बना रही हूँ एंड फिर इसे कैक्टस का लुक दूँगी। सो आप मुझे बताएं कि ये स्पेक्स आपको कैसे लग रहे हैं एंड मेरा ये कलरिंग प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे ये एक वॉल हैंगिंग बना रहे हैं फॉर आवर बालकनी। सो यस, ऑल माई कलरिंग इज डन। एंड अब हम इसके पॉट वाले सेक्शन में कुछ रिटन वर्क करेंगे। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे जो कांटे थे वो तो मैं बनाना भूल ही गई। सो अब मैं कांटे बना लूँगी एंड उसके बाद हम इसमें लिख लेंगे ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। सो ये मैंने फ्री हैंड ही लिखा था, आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई और कोट्स लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। एंड ये हमारा वॉल डेकोर रेडी है। सो मूविंग टू आवर थर्ड DIY, यहाँ हमने ये एक प्लास्टिक बॉटल लिया है एंड इसे मैं इस तरीके से मार्कर से मार्क करके विद द हेल्प ऑफ अ कटर मैं इसे कट कर लूँगी। आप कट करते वक्त ध्यान रखें कि अपने हाथ का ध्यान रखें, अदरवाइज ऐसे क्राफ्ट्स में बहुत बार हाथ भी कट जाता है। सो यस, ये हमारा रेडी हो गया है। एंड अब हम मोल्डेड क्ले लेंगे एंड मोल्डेड क्ले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा टैल्कम पाउडर। सो टैल्कम पाउडर की हेल्प से हम हमारे मोल्डेड क्ले को यहाँ पे रोल कर लेंगे अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेरी हैंडमेड कटिंग टूल मैंने लिया है, मैंने ये खुद बनाया है। अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं वो भी ज़रूर लेके आऊँगी। सो ये हम यहाँ पे आउल प्लांटर बना रहे हैं। सो हम यहाँ पे आउल की आईज स्टिक कर रहे हैं। ये
बेसिकली ये पूरी आईज़ नहीं है, ये मेरे बेस बनाया है मैंने आईज़ का। इसके बाद हम आगे और डिटेल करेंगे। सो उसके बाद कोई भी राउंड पीस से आप इस तरीके से दो सर्कल कट कर ले एंड उसे आप आउल के आईज पे प्लेस कर दे यूजिंग फेविकॉल। नाउ मैं आउल के नोज को स्टिक कर लूँगी। नोज को मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, रोल किया है एंड प्लेस कर दिया है एंड उसके बाद मैं उसके लेग्स को भी स्टिक करूँगी। कुछ इस तरीके से मैं पैर बनाऊँगी आउल के एंड यहाँ पे जो ये मिडल पोर्शन है उसके बीच में हम यहाँ पे जो लेग्स हैं उन्हें स्टिक करेंगे। सो यस, ये भी रेडी हो गया है। देन जो क्ले कटर मैंने बनाया था उससे सेम हम वापस कटिंग कर लेंगे हमारे क्ले को एंड उससे मैं दोनों साइड के फेदर्स भी बना दूंगी। नाउ यूजिंग माय निडल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मेरे क्ले में डिटेल्स देने के लिए, उससे मैं यहाँ आईज़ में इस तरीके से कुछ डिटेल्स दे दूंगी। उसके बाद मैं मेरे यहाँ पे डॉटिंग टूल का यूज़ करूँगी फॉर फर्दर मोर डिटेल्स। इस तरीके से आप पूरे के पूरे आईज़ में डिटेल दे सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत DIYs करके आप बहुत सारे मोल्डिंग टूल्स बना सकते हैं घर में ही एंड आपको मोल्डिंग टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फेदर्स को डिटेल करने के लिए मैं इस तरीके से पेन का कैप यूज़ कर रही हूँ एंड आप पूरे कैप को यहाँ प्लेस ना करें, आधा आधा करके करें। और अगर आपको इस प्रोसेस में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप जो ढक्कन है उसको हाफ कट कर ले एंड फिर ये प्रोसेस करें, बहुत इजी हो जाएगा। सो यस, हमारा ये यहाँ पे जो क्ले वर्क था ये कंप्लीट हो गया है, सारी डिटेलिंग्स भी कंप्लीट हो गई है एंड अब हम यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जेसो भी अप्लाई कर सकते हैं, मुझे वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई करना था तो मैंने वो अप्लाई किया है। अब हम यहाँ पे पेल एमरल्ड कलर अप्लाई करेंगे पूरे के पूरे मेरे आउल पे। जो बॉटल वाला ओपन सेक्शन है हम उसे खाली छोड़ देंगे, सिर्फ क्ले वाले सेक्शन में हम ये कलर अप्लाई करेंगे एंड ये मेरा फाइनल लुक है। नोज़ एंड लेग में मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया है एंड आईज़ को वाइट ही छोड़ा है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड अब चलिए हम इसमें कुछ प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं यूजिंग वाटर एंड आवर प्लांट। सो मैंने वाटर पोर कर लिया है एंड ये मैंने इसमें मेरे प्लांट को भी प्रोपगेट कर दिया है। सो इस प्लांटर को आप अपने साइड टेबल पे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको इसे एज अ प्लांटर यूज़ नहीं करना तो आप एज अ पेन स्टैंड भी इसे यूज़ कर सकते हैं, किचन में एज स्पून स्टैंड भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये एक प्लास्टिक बॉटल से ये इतनी ब्यूटीफुल सी आउल प्लांटर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट DIY, इसके लिए हम यहाँ पे एक ग्लास बॉटल लेंगे। अगर आपके पास ग्लास बॉटल नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद हम यहाँ पे डबल साइडेड टेप लेंगे। मैंने यहाँ पे पतला वाला डबल साइडेड टेप यूज़ किया है और वही आप यूज़ करें, अदरवाइज़ ये जो हमारा DIY है इसका मज़ा नहीं आएगा। सो जो सिंगल साइड है उसे मैंने स्टिक कर लिया है एंड जो उसका डबल वाला दूसरा साइड है हम उसे बाद में हटाएंगे। सो फर्स्ट हम जितना भी हमें स्टिक करना है वो स्टिक करेंगे। सो यस, ये हमारा यहाँ पे जितने भी डबल साइड टेप हमें स्टिक करना था वो हम स्टिक कर लिए हैं एंड इसके बाद जो हमारा अपर पोर्शन है उससे भी हम रिमूव कर लेंगे एंड ये हमारी टेप्स यहाँ पे स्टिक है। कैमरा की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा बट टेप्स यहाँ पे स्टिक किया हुआ है मैंने एंड इसके बाद हम इस तरीके का एक पतला जूट रोप लेंगे एंड इसे इस तरीके से रोल करेंगे। सो आप मुझे यहाँ ये भी कह सकते हो कि इतना डबल टेप वगैरह क्यों लगाया, फेविकॉल से भी हम स्टिक कर सकते थे। फेविकॉल वाला प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, ये प्रोसेस बहुत ईजी है एंड मुझे ये प्रोसेस आपके संग शेयर करना था इसलिए मैंने ये आपके सामने बनाया है। सो यहाँ पे आपको बस इस तरीके से रोल करना है एंड आपका जूट थ्रेड अपने आप उस डबल साइडेड टेप में स्टिक होते जा रहा है एंड फेविकॉल या ग्लूगन वाले प्रोसेस में आपको बार बार फेविकॉल एंड ग्लूगन स्टिक करना पड़ता है।
सो यस, हमने यहाँ पे हमारा जूट रोप पूरा का पूरा इस बॉटल पे स्टिक कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे वाइट कलर की ऊन थ्रेड लेंगे एंड उसे हम एक बो का शेप बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, और उसे हम यहाँ पे बॉटल के एकदम मिडिल पोर्शन में स्टिक कर देंगे। सो यस, ये हमने हमारा बो स्टिक कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ हाफ मोती लेंगे एंड उसे भी हम यहाँ पे डेकोरेट कर देंगे। मैंने ये प्रोसेस चूज़ किया है अपने बॉटल को डेकोरेट करने के लिए। आप कोई और प्रोसेस यहाँ पे अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे आपको ट्राई करना है आप वो कर सकते हैं, एक्लरिक कलर कर सकते हैं आप यहाँ पे फोम फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से पे रिबन से और डेकोरेट कर सकते हैं। एंड ये मेरी बॉटल का लुक है एंड इसे मैंने कुछ फ्लावर्स से भी डेकोरेट कर दिया है। सो जूट से ये कितनी ब्यूटीफुल सी बॉटल रेडी हो गई आप देखिए। सो हमने यहाँ पे सब वेस्ट मटेरियल्स ही यूज़ किया है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट DIY, ये मैंने चीज़ स्प्रेड का एक बॉक्स लिया है जिससे हम हमारा DIY बनाएंगे आगे। मैंने यहाँ पे टूथपिक स्टिक्स भी ली है। सो मूविंग ऑन, मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लिया है। हम पहले बेस बना लेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स है वो बना लेंगे, उसके बाद हम वो चीज़ स्प्रेड वाले बॉक्स में जाएंगे। सो यहाँ पे हम इस न्यूज़पेपर को इस तरीके से रोल कर देंगे यूजिंग अ स्टिक। स्टिक को हम बीच में रखेंगे एंड इस तरीके से रोल कर देंगे एंड बाद में उस स्टिक को मैं हटा दूँगी, रिमूव कर दूँगी पेपर के बीच से एंड फेविकॉल की हेल्प से इसे हम सिक्योर कर देंगे। एंड अब हम उस न्यूज़पेपर के रोल को एक थोड़ा सा स्टिक के बीच में ऐसे मैं दूंगी एंड उसे मैं पूरा का पूरा रोल कर दूंगी। अगर ये स्टिक बीच में ना रहता है, रहे तो बहुत ही बढ़िया है, इसे बीच में ही रहने दें आप। अगर ये बीच में ना रहता है तो आप इसे रिमूव कर दें एंड लास्ट में वो स्टिक हम वहाँ पे बीच में इंसर्ट कर देंगे। सो आपको इसे एकदम टाइटली ही रोल करके स्टिक करना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये ढीला होता है तो आप वापस इसे खोलें एंड फिर वापस इसे बनाएं। सो पेपर जब रोल करेंगे आप तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि पहले आपने ऑलरेडी एक बार रोल किया है एंड फिर आप वापस इसे रोल कर रहे हैं, बट आपको इसे इसी तरीके से करना है जैसे मैंने किया है। सो यस, ये पूरा का पूरा रोल हो गया है एंड इसके बीच में हम वो स्टिक भी अप्लाई कर देंगे एंड इसे फेविकॉल से सिक्योर कर देंगे। सो वो स्टिक भी मैंने यहाँ पे बीच में रख दिया है एंड ये हमारा व्हील रेडी हो गया है। सो बेसिकली हम यहाँ पे व्हील बैरो बना रहे हैं। व्हील बैरो बनाने के लिए हमें हमारे बेस पे ये टूथपिक्स को यूजिंग ग्लू गन ऑन ऑल द फोर साइड्स इसे ऐसे स्टिक कर लेना है। सो ग्लू गन को आप अच्छे से लगाएं क्योंकि टूथपिक काफ़ी पतली है, सो वो स्टिक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो नाउ हम हमारे इस व्हील पे दोनों साइड में दो लंबी लंबी स्टिक्स लगाएंगे, यस लाइक दिस। सेम यहाँ पे आप ग्लू गन एकदम अच्छी तरीके से लगाएं वरना ये निकल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ही एकदम पतली पतली है और स्टर्डी नहीं है ये सारी चीज़ें। सो यस, इस तरीके से मैं दूसरे साइड में भी स्टिक अप्लाई कर दूंगी, एकदम सेम स्पेस में दोनों स्टिक्स अप्लाइड रहेगी एंड उसे मैं इस तरीके से मेरे जो व्हील बैरो का जो बॉक्स है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी। सो यस, ये हमारा व्हील बैरो रेडी हो गया है एंड हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। सो यस, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है एंड बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है। बट और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर अच्छे से अप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद मैं कुछ पोल्का डॉट्स बना दूंगी इस पर एंड आप अब इन्जॉय करें इसका फाइनल लुक। सो यस, आप इस तरीके से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, कोई दूसरे तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो यस, आप इस तरीके से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं जैसे कि इसके सारा सामान गिर रहा है, जैसे आजकल के फंकी शो पीसेस होते हैं।
उस तरीके से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। सो मूविंग टू आवर लास्ट DIY, मुझे यहाँ पे कुछ स्टोन आर्ट करना था बट मेरे पास स्टोन्स नहीं थे, सो मैंने वॉल पुट्टी को ही यूज़ करके इस तरीके से स्टोन जैसा लुक दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ फंकी आइडियाज़ ड्रॉ करूँगी। सो यहाँ पे मैंने एक आउल फेस ड्रॉ किया है। अब आप बोलोगे कि यार मेघा कितना आउल बनाती है। हाँ तो मुझे आउल फेसेस बहुत पसंद है, तो मैं बेसिकली हर जगह वो बना देती हूँ क्योंकि वो बहुत क्यूट लगते हैं एंड ऐसे भी मुझे बर्ड्स बहुत पसंद है, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। सो मैंने वो बना दिया। सो आज का हमारा DIY हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये सारे DIYs कैसे लगे मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और आप ऑलरेडी अगर एक सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। कीप शाइनिंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक यू, बाय बाय।